हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे नसबंदी ऑपरेशन को अभी 10 साल हुए, तो क्या हम इसे खुलवा सकते हैं? क्योंकि हम दोबारा बच्चा चाहते हैं। हमारा पहला बच्चा जो था वो खत्म हो गया है, या फिर हमें जो बेबी बॉय था वो खत्म हो गया है, अब हमें नेक्स्ट बच्चा चाहिए, बेबी बॉय ही चाहिए। तो हमको क्या करना है, मतलब ये ऑपरेशन खुल पाएगा या फिर नहीं, यानी कि जो नसबंदी ऑपरेशन पलटवाना बोलते हैं, तो वो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कितना खर्चा आएगा, क्या होगा, इस तरह के काफी आप लोगों के सवाल आते हैं। आज हम सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से जानेंगे। काफी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए, नसबंदी जब ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पे जो लेडीज है उसको नहीं बच्चा चाहिए होता है, तभी वो नसबंदी करवाती है। उसमें ट्यूब काटी जाती है, जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इमेज पे, तो ट्यूबों को काट के अच्छे से टाई कर दिया जाता है जब आपका ऑपरेशन के साथ होता है, या फिर अलग से दूरबीन से भी होता है। तो ये देख के कि ऑपरेशन किया जाता है कि बच्चा आगे ना लग सके, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा तो तब भी प्रॉब्लम है, फिर लेडीज कंप्लेन करेगी कि नसबंदी ऑपरेशन कैसे हुआ, हमें तो प्रेगनेंसी लग गई। तो इसलिए नसबंदी ऑपरेशन काफी सही तरीके से होता है, जिससे कि बच्चा लगने की चांस फिर ना बने, है ना, लेडीज फिर परेशान ना हो। तो अच्छे से टाई किया जाता है, काट दिया जाता है आपकी नलियों को, तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाता और स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाते, अंडा और स्पर्म दोनों नहीं मिल पाते और प्रेगनेंसी नहीं लग पाती। अब लेडीज का क्या होता है कि जो लड़का उनका होता है, या फिर कोई भी उनके बच्चा कोई भी खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो इस कंडीशन में कोई भी अनहोनी उनके साथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में वो दोबारा खुलवाना चाहती है। तो वो जाती है फिर डॉक्टर के पास, या फिर काफी ज्यादा इस तरह के सवाल भी आते हैं मेरी नसबंदी वाली वीडियोस पे, से सक्सेसफुल रेट होते हैं। तो देखिए, नसबंदी ऑपरेशन आप जब भी खुलवाएं, भले ही आपका 3 साल हुआ हो, 4 साल हुआ हो, या फिर 10 साल हुआ हो, देखिए नसबंदी ऑपरेशन जैसे मैंने बताया कि बच्चा ना लगे, इसलिए उसको काफी अच्छी तरीके से किया जाता है, ताकि जो नसें होती हैं वो काट के अच्छे से टाइज यानी कि बात दी जाती है, ताकि कोई भी संभावना ही ना बचे। अब डॉक्टर कोशिश तो कर लेंगे, यानी कि कोशिश पूरी कर लेंगे अपने साइड से नसों को जोड़ने की। क्या होता है कि जो ट्यूब होती है वो कट चुकी होती है, तो इतने अच्छे से वो मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, यानी कि इसके सक्सेसफुल रेट होते हैं 20-40% ओनली, है ना। तो 20-40% होते हैं, क्योंकि काफी महीन चीज ये है, काफी पतली सी आपकी ट्यूब होती है, उसको जोड़ना रहता है, और ये चीज सक्सेसफुल हो ना हो, इसलिए इसके 20-40% चांस होते हैं, 20-40% ही चांस होते हैं। तो ट्राई आप कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूंगी तो आप IVF या टेस्ट ट्यूब भी कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट बच जाएगा और पैसा आपका बच जाएगा, यानी कि आप इस ऑपरेशन को खुलवाएं फिर ये सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि इसके सक्सेसफुल रेट काफी कम होते हैं, क्योंकि काफी महीन ये चीज है, ट्यूब काफी पतली होती है, तो इसको जोड़ने में इतना मतलब ये सक्सेसफुल नहीं होता इतना। आप टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF करवा सकते हैं, तो वहां पे अपना टाइम और पैसा लगाइए, बजाय कि यहाँ पे आप अपना टाइम और पैसा लगा रहे हैं, जो कि फिर सक्सेसफुल हो ना हो उसका कोई गारंटी नहीं है। तो मैं अपना ओपिनियन बताना आपको चाहूंगी, और एज योर विश आप जो भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इस तरह के मेरे पास काफी ज्यादा सवाल आ रहे थे कि मैडम हमको 10 साल हो गए, हमें दोबारा बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा खत्म हो गया, है ना। तो आपको जो है IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी करा लेना चाहिए समय रहते, जो एक एज होती है प्रेगनेंसी के लिए, बच्चा कैरी करने के लिए, तो वो उस एज पे आप जल्द से जल्द मां बन पाएंगी, तो वो आपके लिए ज्यादा सही होगा, वजह कि आप काफी लेट हो रहे हैं, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हैं। तो आपके अवेयरनेस के लिए वीडियो थी, तो उम्मीद करती हूँ हेल्पफुल ये रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए चैनल को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखने के लिए। Thank you. Thanks for watching.